वालेकुम, मैं सिकंदर अल्लाह खान, मजलिस बचाओ तहरीक एमबीपी, निशान बहादुरपुरा। मैं आप लोगों के दरमियान में आया इशू को लेके। इशू जो है कल से चल रहा था, कल रात में हमारे एमबीपी ऑफिस पे एक मोहतरमा आए जिसका नाम जो है नसरीन बेगम। ये रात में तकरीबन 1:30 रात को एमबीपी ऑफिस पे आए। जनाब अल्लाह खान फरज साहब से मुलाकात हुई, इन्होंने ये कहा कि जो है हमारे दामाद, एक्चुअल इशू क्या है, ये जो साहब है इनका नाम है मोहम्मद फैसल साहब का ये लड़का है, छोटा मासूम, सात नाम है इनका, जिनकी शादी जो है मोहतरमा क्या नाम आपके पहली बेटी का नाम है नेहा खानम से पहले शादी हुई थी, उसके बाद वो बेचारों का इंतकाल हुआ। नेहा सुल्ताना का इंतकाल होने के बाद जो है इन्होंने इनके पूरे खानदान में बैठ कर जो है इनसे दूसरी शादी की, ये मोहतरमा से। तो ये पहले नेहा सुल्ताना का इनसे बेटा है, नेहा सुल्ताना से बेटा हुआ सो है। तो अलकिस्सा मुख्तसर ये कि नेहा सुल्ताना का बेटा जो है इनके वालिद की जेरे निगरानी में है। ये नेहा सुल्ताना के पहले के जो बीवी के वालदे वालदा थे उनको सबको मालूम है कि इन्होंने जो है निगरानी करें, और उसूलन देखा भी गया कानूनी एतबार से, शरी एतबार से बाप का फर्ज था कि लड़के को देखने का। तो नेहा सुल्ताना के इंतकाल के बाद पूरे खानदान में बैठ के जो है उसकी शादी कराई, डेढ़ साल के बाद शादी कराए, अलहमदिल्ला हंसी खुशी के साथ शादी हुई। ये मोहतरमा दूसरी बीवी की जो है इनके कबूल करने के लिए बेटा है इनका। तो उसके बाद जो है अब इनके जो है साबिका नेहा सुल्ताना के वालिद वालदा के पास ये नवासा जाता था, आता था, सालों से जाना आना था, दो दिन के लिए ले आते थे, फिर जो है भिजाते रहे थे। मगर अब 4 दिन पहले एक इशू क्या बना है, नेहा सुल्ताना के वालिद सन सिटी में रहते हैं, इशू ये बना है कि जो है बच्चे को हम नहीं भेजते नवासे को, जबकि हक पहले वालिद का होता है। तो बच्चे को रख लिए, नहीं भी जाए, कोई रोडीज शिक्षकों से जो है डरा रहे, धमका रहे, इनको बच्चा नहीं दिए। इन्होंने जो है किशनबाग के रहने वाले हैं, बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के रहने वाले हैं, तो किशनबाग में रहने वाले हैं। इन्होंने जो है बहादुरपुरा पीएच जाके शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करे, मगर पुलिस इनकी शिकायत नहीं ली। तो रात में एमबीपी ऑफिस को आए, 1:30 रात को हमारे फरद खान साहब से मुलाकात हुई। फरद खान साहब मुझे फ़ोन करे कि बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन का ये माइनर बच्चे का इशू है। मैं फिर सुबह में, रात में देर हो गई थी, कोई ऑफिसर नहीं मिला हमारे, हम सुबह जो है इंस्पेक्टर साहब से रब करें, रब करने के बाद जो है हम इंस्पेक्टर साहब से बोले कि भाई ये बच्चा छोटा बच्चा है, इसको नाना नानी कस्टडी में रख लिए, इसका इन्वेस्टिगेशन करिए और जो है बच्चा इनको वालिद को दिलाइए कानूनी एतबार से। तो इंस्पेक्टर साहब हमारे से कॉपरेट करें, हम जाने के बाद पहले तो कंप्लेंट नहीं लिए, उसके बाद जो है वो नाना नानी को फ़ोन करें, फिर वो फोन रोडी शिकर को सका रहा था, पूरे मिलकर पुलिस स्टेशन आए। अल्लाह के करम से एमबीपी की नुमाइंदगी पे हमारे मजीबुल्ला खान साहब कार्यक्रम की वजह से मैं पहुंचा। वो नुमाइंदगी के बाद ये छोटा लड़का मासूम बच्चा इनके वालिद को मिला, आज बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में इन लोगों की तहकीकत के बाद ये बच्चा इनको मिला इनके वालिद को। तो मैं आपके चैनल के पूरे प्रो आपके चैनल के माध्यम से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी में कोई भी ऐसी चीज़ होती है, बहादुरपुरा हो या ऑल ओवर तेलंगाना में, आप कभी भी 24 घंटे मजलिस बचाओ तहरीक के दरवाजे आप लोगों के हस्ते खुले। यार जिंदा सोबर बाकी।